नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया। आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दमोह जिले की जवेरा थाने की सिग्राम पर चौकी को एक बड़ी सफलता मिली है। L&T कंपनी के पाइप चोरी गए थे। लगभग 3,20,000 के पाइपों को जब्त किया गया है। अलौनी के जंगल से चोर पकड़े गए हैं। एक गाड़ी भी पकड़ी गई है जिसे जब्त कर लिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि लगातार L&T कंपनी के पाइप चोरी हो रहे थे, जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। दो आरोपियों के कब्जे से 9 क्विंटल 4 इंची पाइप पिकअप वाहन में लोड बरामद हुआ है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पिकअप वाहन को भी जब्त किया गया है, साथ ही पाइप को भी जब्त किया गया है। वाहन का नंबर CG13D7075 है, जिसे जब्त किया गया है। 2,50,000 रुपये इसकी कीमत बताई जा रही है। वहीं आरोपियों के नाम सुरेंद्र पिता मूलचंद यादव उम्र 38 वर्ष निवासी सिंहपुर, राजेश पिता प्रमोद सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी भजिया है। दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में चौकी प्रभारी SR रिछारिया के द्वारा बताया गया। तुरकारी गांव में से भी 3 रोल 9 क्विंटल कीमती 1,20,000 जब्त किए गए। इसके पश्चात इन्होंने इसी वाहन से चोरी कर सामान गोबरा और सिंहपुर के साइटों से जल नल योजना का उठाया और उसको ले जाके पिकअप को साइडों पर पटका। कल भी उनसे माल जब्त हुआ है। कुल मशरूम का टोटल कीमती 3,55,000 और पिकअप वाहन जब्त किया गया है। उक्त कार्रवाई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अवगत कराकर श्रीमान थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में की गई है और पुलिस को ये इस कार्रवाई में आरक्षक राम मनोहर यादव नारायण NRS धर्मेंद्र की अहम भूमिका रही। सिग्रामपुर से निवेश चैन की रिपोर्ट। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।